हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं हूं मैंडी और आज हम इन डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं इस नई जिमनी को, और इसको आज हम चला के भी पहले देखने वाले हैं, बिकॉज बिफोर ड्राइविंग मैं कुछ भी मतलब इसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। गाड़ी चलाने में कैसी है, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, पावर कैसी है, मुझे जो चीज़ें लगती है गलत है वो एक्चुअली में गलत है इस गाड़ी में कम है कि नहीं, आज के वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो सबसे पहले जिमनी ऑटोमेटिक है, नॉट ए मैनुअल ट्रांसमिशन। गाड़ी अवेलेबल है नेक्सा शोरूम साई नेक्सा परवरी में। अगर आपके कुछ अगर इंटरेस्ट है जिमनी में तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रखा है, वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। सबसे पहले गाड़ी को चलाते हैं, इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, ब्रेक पेडल प्रेस कर दिया है, गाड़ी को मैं कर देता हूँ स्टार्ट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हियर। सो यहाँ पर इसका टेक्नोमीटर है, इस साइड में स्पीडोमीटर है। तो अभी चला के देखते हैं गाड़ी कैसी है। तो गाइस, इस गाड़ी में मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 4x4 ऑप्शन। सो आपके इसके जो चारों व्हील से वो आपके रनिंग होते हैं ऑल टाइम। यहाँ पर अगर इसके फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर अभी के लिए फ्यूल इकोनॉमी है 10.3, बट दिस इज़ नॉट द इंस्टेंट। अगर आप डेली गाड़ी चलाते हो तो आप डेली की फ्यूल इकोनॉमी या इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिख सकते हो बाय यूजिंग द नॉब विच इज़ ऑन द राइट साइड बिलो द स्पीडोमीटर क्लस्टर। गाड़ी की अगर स्पीड की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी में पावर बहुत है, इंस्टेंट पिकअप गाड़ी का अच्छा है, बहुत ही अच्छी मतलब भागती है जैसे अब अभी भगा रहे हैं। लेकिन स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं बात करूं, अगर थोड़ा सा रफ रोड है, फिलहाल अभी जो हम पहुंचे हैं ये थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन्स हैं। रोड तो कंक्रीट का है बट यहाँ पर अप्स एंड डाउन बहुत है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि गाड़ी जंप कर रही है दोनों साइड से, राइट एज वेल एज लेफ्ट, क्योंकि ऊपर नीचे है रोड। सो यहाँ पर जो गाड़ी की टायर प्रोफाइल है ये थोड़ी सी मतलब दिक्कत करती है, कम टायर प्रोफाइल है इसलिए। बाकी इसमें आपको जो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है, ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, जैसे हम एक्सेलेटर प्रेस करते हैं गाड़ी इंस्टेंट पिकअप लेती है, इंस्टेंटली स्पीड पकड़ती है, और इसका ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन जो शिफ्ट से बहुत ही क्विक है, बहुत ही स्मूथ है। अभी इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, गाड़ी को पार्क करके जल्दी से कवर अप करता हूँ, इसमें आपको एक्सटीरियर इंटीरियर में फीचर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिलते हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं जिमनी के इंटीरियर से, इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, यहाँ पर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पर टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों साइड में डायल्स दिए गए हैं, टाइम टेम्परेचर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंस्टेंट आप इसकी देख सकते हैं यूजिंग दिस नॉब। इसको अगर हम प्रेस करेंगे ए जीरो हो जाएगी, लाइक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल फ्यूल इकोनॉमी जो है वो दिखाएगी। फिलहाल के लिए हमको दिखा रही है 9.8 किलोमीटर पर लीटर, बिकॉज हमने थोड़ी सी गाड़ी स्पीड से चलाई थी अभी, इसलिए यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आएंगे, यहाँ पर ऑडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप भी आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डिजिटल फ्यूल गेज आती है, इसमें आपको एनालॉग फ्यूल गेज नहीं मिलती है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक टिल एडजस्टमेंट पावर स्टेयरिंग मिलता है, विथ सुजुकी बैजिंग एंड सिल्वर एलिमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंट्रोल्स एंड एमआईडी कंट्रोल्स फॉर दिस एमआईडी। हियर यू गेट ऑटोमेटिक हेडलाइट्स कंट्रोल एंड टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स, और इस साइड में आपको मिलते हैं वाइपर्स कंट्रोल। वाइपर्स इसमें आपको पूरी तरह से मैनुअल मिलते हैं, और दिस इज़ दी टॉप स्पीड, लाइक जो जितने फास्ट ये अभी वाइप कर रहे हैं यही इसकी जो है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिलती है विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जीपीएस नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वाईफाई। सो इसके पहले हमको यहाँ पर फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ब्लूटूथ वाईफाई एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर हैजार्ड लाइट बटन मिलता है, यहाँ पर सेंट एसी वेंट्स विथ सिल्वर ग्लॉस एलिमेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो डायल्स है वो सिमिलर है स्विफ्ट की तरह। यहाँ पर जो फ्रंट एंड रियर डिफॉगर है, जो फैन स्पीड है उसके एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं एडजस्ट करने के लिए, ओनली डिस्प्ले है जो पूरे इंडिकेशंस देगा, टेम्परेचर जो एसी मोड है उसके, यहाँ से हम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक जो एसी मोड है उसको ऑन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दी बटन इन दी सेंटर। सो यहाँ पर इसमें आपको जो बटन है वो को ड्राइवर पावर विंडो के लिए है, और जो ड्राइवर पावर विंडो है वो ऑटोमेटिक मिलता है। यहाँ पर हिल डाउन असिस्ट बटन मिलता है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिलता है, नो वायरलेस चार्जर, बट यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है। ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन फिलहाल के लिए गाड़ी है पार्क में, इसके साथ रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड 2NL। यहाँ पर जो है वो 4 low 4 high and 2 high जो आपको ऑफ रोडिंग में बहुत काम आने वाले है ए गियर। यहाँ पर फिजिकल हैंड ब्रेक है, यहाँ पर पावर विंडो बटन से फॉर दी रियर पावर विंडोज, यहाँ पर पावर विंडो आप ऑफ कर सकते हैं जो को ड्राइवर एंड रियर वाले, बिकॉज जो ड्राइवर वाला है वो आप सिर्फ यही से कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, स्टेयरिंग में है, डैशबोर्ड पे है, और यहाँ पर साइड एयरबैग्स कुछ ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कर्टन एयरबैग्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर सेफ्टी ग्रैब हैंडल है, बिकॉज
बिकॉज दिस इज लाइक ऑफ रोड व्हीकल, तो आपको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा गाड़ी बहुत सारी लेफ्ट साइड में ऐसे मतलब जंप करने वाली है, तो उस टाइम में आपको बहुत काम आने वाला है। को ड्राइवर एसी वेंट वहाँ पर है, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर ग्लोबॉक्स मिलता है, नॉर्मल नॉट कूल ग्लोबॉक्स। डोर ओपनिंग हैंडल्स क्रोम में मिलते हैं, यहाँ पर लॉक अनलॉक बटन है, डोर पॉकेट्स मिलते हैं फोल्डर स्पेस के साथ, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम स्पीकर है, यहाँ पर आइडल ऑन ऑफ बटन मिलता है, यहाँ पर जो हेडलाइट वॉशर्स है उसके लिए यहाँ पर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पर हेडलाइट लेवलर है, यहाँ पर ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। सही, देखिए अभी जो ओआरवीएम से वो फोल्ड हो चुके हैं, नीचे इसके प्रेस कर दिया, अभी इसको अनफोल्ड करते हैं, सो कुछ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है विथ ई क्रोम सराउंड क्रोम एलिमेंट। नीचे आपको ओनली यहाँ पर मिलता है ब्रेक एंड एक्सीलेटर बिकॉज दिस इज़ दी ऑटोमेटिक वेरिएंट। इसी के साथ साथ अगर रियर के स्पेसिंग की बात करें तो मैं रियर सीट पे जाऊँगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर को ड्राइवर के लिए सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर नो इल्यूमिनेशन, सेंटर में आपको इल्यूमिनेशन मिलता है कैबिन के लिए, और यहाँ पर माइक प्लेस्ड है, यहाँ पर इनर रियर मिरर मैनुअल मिलता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर ड्राइवर के लिए सनवाइजर विथ मिरर नो इल्यूमिनेशन। सो गाड़ी के रियर सीट्स या सेकेंड रो स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको लेगरूम देखने को मिलता है, कुछ ऐसे बहुत ही स्पेस है, स्कूप्ड आउट सीट्स है, और इस पे जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट एज वेल एज रियर सीट्स में वो एडजस्टेबल मिलते हैं। जो रियर सीट है सेकेंड रो सीट वो आपको 50-50 स्प्लिट में मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो सेंटर में कुछ ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं। इवन सेकेंड रो के लिए भी आपको यहाँ पर हेलोजन इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स दोनों तरफ मिलते हैं, ओनली यहाँ पर आपको जो हुक मिलता है वो नहीं है, बट इसमें आपको 210 लीटर्स की बूट स्पेस देखने को मिलती है। जो बेस है बूट का वो बहुत ही इस बार प्रीमियम दिया है मारुति सुजुकी ने, लाइक बहुत ही हार्ड क्या बोलते हैं उसको, फाइबर या प्लास्टिक का बना हुआ है, और बहुत ही पावरफुल भी है बिकॉज ऑफ रोड व्हीकल में ऐसे ही मटेरियल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक 12 चार्जिंग पॉइंट मिलता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर इल्यूमिनेशन भी देखने को मिलता है जो बूट ओपन होने के साथ ऑन होने वाला है। इस साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जो पावर पॉइंट्स है वो इस साइड में ही मिलते हैं। इसी के साथ साथ गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करेंगे, सो यहाँ पर कुछ आपको बॉटल होल्डर मिलते हैं, दो बॉटल होल्डर्स कुछ ऐसे यहाँ पर मिलते हैं, रियर पैसेंजर या फ्रंट पैसेंजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी पे बहुत सारी एक्सेसरीज चढ़ी हुई है, तो उसकी बात हम करेंगे गाड़ी के फ्रंट से। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी कीस है, जहाँ पर सुजुकी बैजिंग है, एंड ओनली लॉक एंड अनलॉक बटन इस पर मिलता है। सो गाड़ी के फ्रंट कॉस्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सुजुकी बैजिंग है, क्रोम एलिमेंट से पूरे रेडिएटर ग्रिल में एलईडी प्रोजेक्ट हेडलाइट्स ऑटोमेटिक है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर, एंड यहाँ पर हेलोजन फोग लाइट्स है। जो हेडलाइट वॉशर्स है वो आपको यहाँ पर प्लेस मिलेंगे, यहाँ पर इसकी जो पार्किंग लाइट है वो मिलती है छोटी सी, प्रोजेक्ट सेंटर में मिलता है। इसी के साथ साथ कुछ एसेसरीज इस गाड़ी पे चढ़ी हुई है जो इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है वो एक्सेसराइज्ड है। उसके साथ साथ इसमें आपको ड्यूअल मैनुअल वाइपर्स मिलते हैं विथ वाइपर वॉशर, ये जो पूरा एलिमेंट वो एक्सेसराइज्ड है। उसी के साथ साथ ओआरवीएम आपको इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आपने अभी देखा होगा, तो उस पर ये जो पूरा पोर्शन है ये भी आपको एक्सेसराइज मिलता है। 15 इंचेस के ग्रे ग्रॉस एलॉय व्हील्स मिलती है, और टायर प्रोफाइल है 195 ATR 15, तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी टायर प्रोफाइल कम लगती है। इवन इसमें आपको ब्लॉक टायर्स नहीं मिलते, एकदम प्लेन ग्रिप मिलती है, सो ऑफकोर्स आप अगर ऑफ रोडिंग करेंगे तो ए वाले जो टायर्स है वो बिल्कुल भी मतलब आपके लिए मतलब ग्रिप नहीं पकड़ेंगे ज़मीन पे, बिकॉज ऑफ रोड में क्या होता है आपको ब्लॉक टायर्स ग्रिप पकड़ते हैं। डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट में मिलते हैं, ड्रम ब्रेक्स रियर में मिलते हैं। जो सस्पेंशन है वो आपका बहुत ही स्मूथ है, इसमें गाड़ी थोड़ी सी जंप होती है, अगर रोड अगर ऊपर नीचे रहेगा तो थोड़ी सी जंप आपको मतलब जर्क फील होगा, जो बाउंस होगा वो आपको फील होगा, बट स्टेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है रोड पे, प्लेन रोड पे, नॉट फॉर ऑफ रोड्स। सो यहाँ पर रनिंग लाइन जो है आपको ब्लैक मैट कलर में देखने को मिलती है। इवन ए जो पूरा पोर्शन है जहाँ पर जिमनी
लिखा हुआ है ये एक्सेसराइज्ड पोर्शन है, आपको लाइक मतलब स्टॉक नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट आंसर है, की स्लॉट है, डोर ओपनिंग हैंडल बॉडी कलर में मिलता है। ये जो वाइजर्स है, विंडो वाइजर्स, ये भी एक्सेसराइज है, स्टॉक नहीं है। ओनली आपको यहाँ पर स्टॉक मिलेगा जो रूफ है वो पियानो ब्लैक फिनिश या ब्लैक ग्लोव्स फिनिश में आपको मिलेगा, जो स्टॉक मिलेगा। यहाँ पर फ्यूल लीड है 50 लीटर की, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इवन ये जो पूरा एलिमेंट है ये भी एक्सेसराइज है। ये टायर प्रोफाइल सेम में 15 इंचिस एलॉयस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें जो अट्रैक्ट करती है वो है इसके मडगार्ड्स, जो आपको साइड में बहुत ही स्पोर्टी लुक देते हैं। एक्सेसराइज जो विंडो वाइजर्स है वो भी गाड़ी को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं साइड प्रोफाइल में। अगर इस गाड़ी का प्लस पॉइंट बता दो तो इसमें आपको जो ग्लासेस है यूवी प्रोटेक्टेड मिलते हैं, तो ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है वो FM रेडियो एंटीना प्लेस्ड है, हाई माउंट टेल लाइट, रियर वाइपर वॉशर, रियर वाइपर जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, रियर डिफॉगर भी है, और ये जो पूरा पोर्शन है जो टायर को कवर करता है ये भी एक्सेसराइज है आई गेस। इस पर आपको सुजुकी बैजिंग मिलती है, ऑल ग्रिप बैजिंग ओवर हियर, टेल लाइट असेंबली पूरी तरह से हेलोजन में मिलती है, हेलोजन ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट एंड टर्न इंडिकेटर यहाँ पर है, रिवर्स लाइट यहाँ पर है, पार्किंग सेंसर्स प्लेस्ड यहाँ पर है, दोनों साइड में 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, नंबर प्लेट प्लेसमेंट ओवर हियर, चिमनी रिटर्न ओवर हियर, रिक्वेस्ट सेंसर एंड डोर ओपनिंग हैंडल इन बॉडी कलर। सो यहाँ पर असिस्टेड टेलगेट देखने को मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पर एक हाइड्रोलिक मिलता है, नॉट इलेक्ट्रिक, डिफॉगर कनेक्शंस है जो एक्सपोज है पूरी तरह से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी जो टेलगेट है वो पीछे जा रही है, बिकॉज जो हाइड्रोलिक है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। यहाँ पर कुछ अच्छा मटेरियल मिलता है, हार्ड मटेरियल, 210 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, बाकी सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इस गाड़ी के बारे में। लेफ्ट साइड प्रोफाइल सेम है, एक्सेसराइज एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है को ड्राइवर डोर पे। सो बाहर से एक बार मैं जो सेकेंड रो सीटिंग है वो दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर स्पेस जो है सेंटर में हब मिलता है, बिकॉज इसमें आपको 4-व्हील ड्राइव मिलता है। जो डोर इंटीरियर है उसमें आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं, यहाँ पर भी इसके बटन्स है, और सेंटर कंसोल में भी आपको बटन्स देखने को मिलते हैं फॉर ड्राइवर्स कंट्रोल। डोर ओपनिंग हैंडल्स क्रोम में मिलते हैं, ग्रैब हैंडल है। जो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं वो कम्प्लीटली ऑफ रोड गाड़ी में जैसे आपको मिलते हैं वैसे वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स यहाँ पर है ओनली, यहाँ पर आपको डोर पॉकेट्स नहीं मिलती है सेकेंड रो डोर्स में, अदरवाइज आपको जो फ्रंट डोर्स है उसमें आपको डोर पॉकेट्स मिलती हैं। कफ प्लेट्स यहाँ पर आपको मेटल की मिलती है, उसके साथ फ्रंट डोर्स में भी आपको कफ प्लेट्स मिलती है, जहाँ पर जिमनी कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ग्लो होता है कि नहीं हमको पता नहीं है। को ड्राइवर सीट आपको एडजस्टेबल मिलता है, फ्रंट एंड बैक एंड सीट बैक एडजस्टमेंट। इसी के साथ साथ अगर डैशबोर्ड की बात करें या को ड्राइवर जो स्पेस है उसकी बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको स्पेस मिलती है, नी रूम लेग रूम जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। हालांकि जो ग्लो बॉक्स है ये अगर ओपन रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़े से कंजेशंस होने वाले हैं को ड्राइवर जो पैसेंजर यहाँ पर बैठता है उसके लिए। ओके, सो ओवरऑल गाड़ी चलाने में गाड़ी के फीचर्स तो मुझे बहुत पसंद आ गए, बट स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं गाड़ी में थोड़ी सी कम है फॉर ऑफ रोड। तो आपके क्या व्यूज़ है इस मारुति सुजुकी जिमनी के बारे में, प्लीज़ कमेंट कर देना, और आपके कुछ सजेशंस भी है रिगार्डिंग द जिमनी, अगर मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे है या कुछ इंटीरियर में है तो वो भी कमेंट करना, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने नई नई जिमनी ली है, उन्होंने एक तो इसके एलॉय व्हील्स चेंज किए या इसके जो टायर्स है वो चेंज किए, बहुत से लोगों ने एलॉय व्हील्स ही डायरेक्टली चेंज किए हैं, टायर के साथ साथ जो टायर प्रोफाइल है वो थोड़ी सी हायर जो ब्रॉड टायर्स आते हैं वो वाले टायर लोगों ने गाड़ी में फिट करवाए हैं। सो आपके क्या व्यूज़ है, लाइक जिमनी कैसी है गाड़ी, अगर आपने खरीदी है तो आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस आया है जिमनी के साथ, रोड प्रेजेंस में गाड़ी की स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं ही। सो गाइस, जिमनी के रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो अभी मैं गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो चुका है। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही वाइड एंगल व्यू मिलता है, रियर व्यू, जो आपको सेंसर्स भी है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाते हैं आपकी गाड़ी कहाँ पर है। सो इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आप जज कर सकते हैं आपकी गाड़ी कितने स्पेस पे है दूसरी गाड़ी से इन दी रियर। हिल डाउन असिस्ट मिलता है, तो सेफ्टी भी जो नेसेसरी है वो मारुति सुजुकी ने प्रोवाइड किए हैं। बट ऑफ रोड के लिए गाड़ी कैसी है, अगर आप गाड़ी ओन कर रहे हो तो आपको पता होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और आपको मैं मिलूंगा एक नए ब्लॉग में अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।